लगातार किसान हर वर्ग जिहड़ा है इन्हां खेती बिलों का विरोध कर रहा है, पर केंद्र सरकार है वो टस तो मस होने का नाम नहीं लै रही है। एक बार फिर तो केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ये सामने आए हैं, तो उन्होंने एक बार फिर तो बिलों के उत्ते स्पष्टीकरण देने की कोशिश की। उन्होंने फिर एक बार कहा कि मंडियां खत्म नहीं होणगियां, जो गल्लां लगातार उन्होंने वालों कही जा रही ने। उन्होंने कहा कि बिल लागू होने नाल मंडियां खत्म नहीं होणगियां, तो APMC मंडियां जिहड़ियां ने जो चल रही ने ये टैक्स फ्री हो जाणगियां, ये उन्होंने कहा। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के उत्ते भी निशाना साध्या, तो पंजाब के मुख्यमंत्री उन्होंने पूछा कि अपने मैनीफेस्टो में उन्होंने APMC कानून खत्म करने का वादा क्यों किया, जे अज वो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 50 साल तक राज करने वाली कांग्रेस ने MSP कानूनी रूप क्यों नहीं दिता, जे अज वो मांग कर रही है। एक बार फिर तो उन्होंने भरोसा दिता कि MSP जारी रहेगी। की कह रहे ने वो तुहानू सुणाउने आ। भारत सरकार ने दो अध्यादेश बनाए जिनको जारी किया गया और अब वो अधिनियमित हो गए, विधेयक बन गए हैं। एक है कृषि उपज व्यापार वाणिज्य विधेयक और दूसरा है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं का करार विधेयक। ये दोनों जो विधेयक हैं ये निश्चित रूप से किसान को APMC की जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था उसको मुक्त करने वाले हैं, आज़ाद करने वाले हैं, और जो छोटा किसान है उसे भी अपने उत्पादन की बुआई के समय गारंटी मिल सके और वो महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, वो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके। इस दृष्टि से ये दोनों बिल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इसमें किसान का फायदा ये होगा कि जब मंडी के बाहर व्यापार होगा तो बिना टैक्स के होगा, मंडी में जो व्यापार होगा वो उस पर टैक्स लगेगा। किसान को फ्रीडम है वो कौन से रास्ते को अपनाना चाहता है। जो कांग्रेस के लोग ये प्रश्न पूछते हैं तो 50 साल तक सरकार में रहे तो वो MSP को कानून में क्यों नहीं डाला। MSP किसी कानून का हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि बिल पर बोलने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, बिल के किसी भी प्रावधान की वो आलोचना करने की हैसियत नहीं रखते हैं, इसलिए MSP की बात करते हैं। MSP पहले भी भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय था, आज भी भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप जब चुनाव लड़े थे तो आपने मैनिफेस्टो में इसका उल्लेख क्यों किया था कि APMC को एक्ट को हम बदल देंगे, टैक्स को हम ख़त्म कर देंगे, अंतर्राज्यीय व्यापार को हम बढ़ावा देंगे। कांग्रेस एक तरफ अपने नेशनल मैनिफेस्टो में भी ये बात रखती है और स्टेट मैनिफेस्टो में भी ये बात रखती है, तो कांग्रेस का कोई भी नेता चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो उसको पहले ये बोलना चाहिए कि हमने जो घोषणा अपने मैनिफेस्टो में की थी अब हम उससे पलट रहे हैं। तो मैं उनका आर्गुमेंट सुनने के लिए तैयार हूँ, बाकी उनका कोई भी आर्गुमेंट सुनने लायक नहीं है। जहाँ तक MSP का सवाल है, MSP पर तो हमने कहा है कि खरीद होती रही है और आगे भी होती रहेगी। खरीफ की MSP हमने घोषित कर दी है और रबी की MSP भी हम लोगों ने घोषित कर दी है। खरीफ की जैसे ही फसल आएगी सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, FCI और NAFED उस खरीद को करेगा।